गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेट्स बी स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लास लेसन नंबर 6 टाइप्स ऑफ हाउस बुक रीडिंग पार्ट 2। बिफोर रीडिंग दिस लेसन सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर द परफेक्ट होम इज ऑफ ए प्लेस ऑफ इंटीमेसी एंड वॉर्म्थ वेयर One can feel the beauty of relationship. It is a place with which is one's memories are associated from childhood to last days of life. So friends, हमें हमेशा याद रखना चाहिए एक जो हमारा परफेक्ट घर होता है उसमें हमेशा एक ऐसी ब्यूटी ऑफ फील होती है जो हम ब्यूटी फील करते हैं अपने घर की। सो वो एक बहुत अच्छा ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हमारी मेमोरीज़ होती हैं, यादें होती हैं हमारे बचपन से लेके जो लास्ट डेज ऑफ लाइफ के होते हैं तब तक। सो हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए। द होम शुड बी एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड। हमें हमेशा अपने घर को अच्छा और साफ सुथरा रखना चाहिए। सो गुड होम हैबिट्स आर, सो गुड होम मीन्स अच्छा घर। A house in which is we live is called home. So अब start करते हैं अपना lesson. Good home, अच्छा घर। A house in which is we live is called home. जिस घर में हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, घर। The good home, एक अच्छा घर should have, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे घर में। सबसे पहले जो अच्छा घर है हमें हमेशा उसको क्लीन भी रखना चाहिए और हमें हमेशा हैप्पी भी रहना चाहिए उसके अंदर ताकि पॉजिटिव वाइब्स आ सकें। एंड और हमें क्या करना चाहिए, अपने घर की जो भी चीज़ें हैं जैसे वॉल्स दीवारें वगैरह डोर्स विंडोज़ इन सबको क्लीन रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर को डस्टिंग फ्री रखना चाहिए और हमें हमेशा अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर प्लेस पर रखनी चाहिए। So good home, a house in which is we live is called a home. एक घर जिसमें हम रहते हैं उसको हम घर कहते हैं। द गुड होम शुड है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपने देखी होंगी घर के अंदर जो बिखरी हुई पड़ी रहती हैं तो वो नेगेटिव वाइब्स लेके आती हैं। सो आपको क्या करना है, द गुड होम शुड है, आपको अच्छी चीज़ें अपने घर के अंदर रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छे घर की वो बताती हैं क्वालिटीज़। प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, आपको अपने घर में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम रखना चाहिए। आपका घर एकदम हवादार होना चाहिए। सो प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, सैनिटेशन मीन क्या होता, स्वच्छता। हमें अपने घर में हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने घर में किसी भी डस्ट को लेकर नहीं आना चाहिए। डस्ट फ्री हमारा घर रहना चाहिए ताकि हमारा घर क्लीन रह सके, साफ सुथरा रह सके। मैनी मीन्स बहुत सारी, विंडोज़ मीन खिड़कियाँ एंड डोर्स मीन दरवाजे टू अलाउ सनलाइट, जो सनलाइट होती है सूर्य की किरणें एंड और एयर टू एंटर इन द रूम्स। एंटर मीन्स प्रवेश करना, रूम्स मीन कमरे, ठीक है। सो जो आपकी विंडोज़ हैं घर की और दरवाजे हैं उनको हमेशा ओपन रखें ताकि आपके घर में क्या आ सके, अच्छी हवा आनी चाहिए और सूर्य की किरणें प्रवेश कर सकें ताकि जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो घर के अंदर से चली जाए और पॉजिटिव वाइब्स आ सकें ताकि घर अच्छा लगे और हैप्पी रहे। सो प्रॉपर वायर्स नीटिंग जो होती हैं, जो जाल होता है ऑन डोर्स एंड विंडोज़, जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, सो दैट फ्लाइज मे नॉट एंटर इन द हाउस। घर के अंदर वो फ्लाइज जो होती हैं, जो उड़ने वाली कीट पतंगे होती हैं, फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, उनको क्या, मक्खियों से बचाने के लिए आपको क्या करना है, अपने घर के जो दरवाजे हैं डोर्स और विंडोज़ हैं उनको आपको वायर नेटिंग करना है, ठीक है। इसका मीनिंग वहाँ पे जाल होना ज़रूरी है ताकि जो फ्लाइज हैं मक्खियाँ हैं वो आपके घर के अंदर एंटर ना कर सकें। सो दीज आर ए गुड होम क्वालिटीज़। हमारा जो घर है वो प्रॉपर स्वच्छ होना चाहिए,
सैनिटेशन सिस्टम होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, और हमारे जो खिड़की और दरवाजे हैं उनको हमें हमेशा अलाउ करना चाहिए ताकि हमारे घर में सनलाइट एंटर कर सके। सो हमें क्या करना है, अपने विंडोज़ और डोर्स को क्या करना है, नेटिंग, वायर नेटिंग से जोड़ना है ताकि हमारे घर में जो भी फ्लाइज मक्खियाँ हैं वो एंटर ना कर सकें। सो दीज आर ए पॉइंट्स ऑफ द गुड होम शुड हैव, यू शुड हैव ए सम फोर पॉइंट्स। सो मेक ए योर होम नीट एंड क्लीन, कीपिंग हाउस क्लीन। हमें अपने घर को स्वच्छ कैसे रखना है, साफ कैसे रखना है। ए हाउस वी लिव इन मस्ट बी क्लीन। जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमेशा हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो डस्टिंग एवरी डे। डू डस्टिंग एवरी डे मीन्स हमें क्या करना है कि जो डस्ट है, जो धूल है, वो कभी भी अपने घर में एंटर करवानी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उससे हमारा घर क्या होता है, डर्टी हो जाता है। सो डू डस्टिंग एवरी डे, हमें हमेशा डेली साफ सफाई करनी चाहिए अपने घर में। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर द परफेक्ट होम इज ऑफ ए प्लेस ऑफ इंटीमेसी एंड वार्मथ वेयर वन कैन फील द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। इट इज़ ए प्लेस विद विच इज़ वंस मेमोरीज आर एसोसिएटेड फ्रॉम चाइल्डहुड टू लास्ट डेज ऑफ लाइफ। हमें हमेशा अपने घर को परफेक्ट रखना चाहिए और हमें उसकी ब्यूटी को फील करना चाहिए, और अगर हम उसको डेकोरेट करेंगे अच्छे तरीके से तो हम उसकी ब्यूटी को फील कर सकते हैं। और हमारे घर के अंदर क्या होती है, हमारी जो मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, वो हमारे बचपन से लेके लास्ट डेज ऑफ लाइफ तक होती हैं। सो हमें अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए इसलिए। कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम कॉबवेब्स मीन्स हमें अपने घर को क्या करना है, हमेशा मकड़ी के जाल से सुरक्षित रखना है। कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, चीज़ें आपको क्या करनी है, वस्तुएं हैं जो चीज़ें हैं आपकी, वो ठीक जगह पर रखनी पड़ेंगी, तभी आप अपने घर को क्लीन हाउस कह सकते हो। कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, अपनी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो ठीक प्लेस पर रख करके आप अपने घर को भी एक तरीके से हेल्प कर रहे हो उसको क्लीन रखने में, ठीक है। सो जब आप स्कूल से जाते हो तो अपनी चीज़ों को जहाँ से आप ड्रेस ले रहे हो, शूज़ ले रहे हो, सो वहीं अपनी चीज़ें वापस फिर से रखनी चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए, क्योंकि वो फिर डर्टी हो जाता है होम। सो होम को क्लीन रखने के लिए अपनी चीज़ों को अपने प्लेस पर रखें। डू नॉट राइट ऑन वॉल्स मीन्स दीवारों पर कभी नहीं लिखना चाहिए। सो आप क्या करते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो काउंटिंग लिखने लगते हैं दीवारों पे, कभी कुछ लिखने लगते हैं। सो बेटा ना तो पेंटिंग करनी है, ना बॉस को कुछ भी लिखना है, और इसीलिए ताकि आपका घर नीट एंड क्लीन रहे। और सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है कि दो चीज़ें आपको डेली करनी है, एक तो कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस एंड सेकंड डू नॉट राइट ऑन वॉल्स, ठीक है। तो आपको अपनी चीज़ें सही प्लेस पर रखनी है और दीवारों पर भी राइट नहीं करना है, और अपने घर को डस्टिंग फ्री रखना है बिल्कुल। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे, और आपको क्या करना है कि अपने घर में झाड़ू पोछा डेली करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं हमारी जो हमारे घर को प्रोटेक्ट करती हैं क्लीन करने के लिए। सो गुड होम क्वालिटीज़ कीपिंग हाउस क्लीनिंग, टू पॉइंट्स आर आई विल बी डिफाइन हेयर। सो नाउ गुड होम क्वालिटीज़ इज़ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम, विंडो डोर्स अलाउ सनलाइट एयर टू एंटर द इन द रूम, प्रॉपर वाइनेटिंग ऑन डोर्स एंड विंडोज सो दैट फ्लाइज मे नॉट एंटर इन द हाउस। ए हाउस वी लिव इन मस्ट बी क्लीन, डू डस्टिंग एवरी डे, कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम कॉबवेब्स, कीप थिंग्स इन ए प्रॉपर प्लेस, डू नॉट राइट ऑन ए वॉल्स, स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट नीट एंड क्लीन।